हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 4। तो यहाँ पर मैं बुक में आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, एक क्लास एक्टिविटी है और इसमें एक स्पाइरल बनानी है, इस तरह से स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। इसमें पहले हम ड्रॉ करेंगे रूट 2, फिर रूट 3, फिर रूट 4, इसी तरह से इस फिगर को हम ड्रॉ करें, ठीक है। तो हम इसको बनाना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी फिगर है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बेस ले लेती हूँ इसका 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, ओके 1 इंच ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो फिगर है हमें ड्रॉ करनी है 1 इंच या 1 सेंटीमीटर के बेस पर ही इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं समझा दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। और 1 मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी कराया है। उसमें क्या होता है बच्चों, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की पावर 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर की पावर 2 प्लस बेस की पावर 2। इसमें आप बेस पहले भी लिख सकते हैं, बेस बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने बेस क्या लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेट बी इक्वल टू 1, यानी कि बेस 1 है और हमारा परपेंडिकुलर भी हमने 1 लिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फार्मूला जब हम लगाते हैं तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ही रखेंगे h की पावर 2 और परपेंडिकुलर मेरा 1 है, तो 1 की पावर 2 प्लस बेस हमारा क्या है 1 है, तो 1 की पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 टाइम्स पावर 2 का मतलब ये होता है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 होगा प्लस 1 1 ज़ा 1 होगा, और यहाँ पर हमारे पास है h की पावर 2। जब मुझे h की वैल्यू चाहिए, यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूँगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड जो हमें करना है वो हो जाएगा रूट के अंदर 2, ठीक है। यहाँ से हमने पावर हटाई तो ये दोनों नंबर हमारा ऐड करके रूट के अंदर आ जाएंगे, 1 प्लस 1 2 और ये ऐड होके 2 हो गया, ठीक है, रूट 2। इसका मतलब ये है जो ये हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू है ये क्या है, रूट 2 है। इसी तरह से हमें अपनी पूरी स्पाइरल को बनाना है, ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरह से हमारी स्पाइरल जो है वो तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी 1 इंच, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो ज़्यादा छोटी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस तरह से, ठीक। मैंने यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया, ओ, और इसको रख दिया पी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा जो ये फिगर है, ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डी की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। ये मैंने 90 डिग्री के एंगल का पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा बेस भी 1 है, 1 इंच मैंने यहाँ लिया है और परपेंडिकुलर भी हमें 1 इंच ही लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 1 इंच मेजर करके लाइन ड्रॉ करेंगे। पूरी लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ही परपेंडिकुलर का पॉइंट ये है और यहाँ से मैंने 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये जो मेरा पॉइंट हो गया, ये आ गया हमारे पास P1, ठीक है। P तो ये है और यहाँ पर आ गया P1। अब मेरे पास ये है 1 इंच और ये भी है 1 इंच, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, O को P1 से मिला लेती हूँ, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जो बच्चों, ये जो हमारी हाइपोटेनस वाली लाइन आई है, अब ये हमारा बेस है, D को इस पॉइंट पर रखते हुए मुझे फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना होगा। ये है पॉइंट 90 डिग्री का एंगल का और मुझे मेज़रमेंट अपना सेम रखना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर की लाइन है ये सिर्फ 1 इंच के लिए ड्रॉ करनी है, ठीक है, 1 इंच ही ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ से फिर से 1 इंच की लाइन ड्रॉ करूँगी, ये है मेरा परपेंडिकुलर की लाइन, ये है मेरा पॉइंट और यहाँ से मैंने 1 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा P2, ठीक है, ये हो जाएगा P2। मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, P1 जो है हमारा, OP1 हमारा हो जाएगा √2, ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी √2, OP2 हमारा हो जाएगा √3, जिसे हम ज्वाइन करने वाले हैं अभी। यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ, इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो ये लाइन हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेती हूँ अपने पेपर को ताकि आपको ईजीली दिख जाए। ये देखो इस तरह से मैं यहाँ रखूँगी अब डी को,
इस पॉइंट पर रखूँगी, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए अगला 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। ये यहाँ पर ड्रॉ किया है और फिर से मुझे एक इंच की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक ही इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर रखते हुए और इस लाइन से एक इंच की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक इंच की लाइन ड्रॉ की है और ये हो जाएगा मेरा P3। अब हमें क्या करना है, फिर से इस लाइन को O को P3 से मिला लेना है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारी हो गई थी ये √3 बनी थी और ये वाली लाइन हमारी जो ये लाइन बनी है वो √4 बनी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने D को यहाँ रखना है, P3 पॉइंट पर रखना है और फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। P3 पॉइंट पर रखते हुए 90 डिग्री का एंगल फिर से ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और लाइन मुझे सेम एक इंच की ही ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर रखते हुए अपनी स्केल को एक इंच की लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस पॉइंट से और ये मेरा पॉइंट आ जाएगा बच्चों P4। और फिर मुझे इस लाइन को O को P से O को P4 पॉइंट से मिलाना है यहाँ पर और ये हो जाएगा मेरा √5 की लाइन, ठीक है। OP3 जो है वो है √4, OP4 जो है वो है √5, ठीक है। आगे हमें ड्रॉ करना है तो आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पर P4 पॉइंट पर अपनी डी को रखते हुए और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से भी मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है एक इंच की, मैं एक इंच की लाइन ड्रॉ करूँगी और ये जो पॉइंट आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा P5, ओके। और मुझे OP5 को ज्वाइन करना है इस तरह से, ये हो जाएगा मेरा √6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डी को इस पॉइंट पर रखना है और फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एंगल यहाँ आएगा, मैं यहाँ से एक इंच की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और ये हो जाएगा मेरा P6। अब मुझे क्या करना है, O को P6 से मिला देना है, यहाँ मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ और ये हमारा हो जाएगा √7, ठीक है। फिर से डी को P6 पे रखते हुए यहाँ पर रखूँगी मैं इसको 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा, लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से, ओके। और ये हो जाएगा हमारा P7, ठीक है। अब मुझे OP7 को ज्वाइन करना है, यहाँ से मैं OP7 को मिला लूँगी, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा √8। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, इस फिगर को पूरा ड्रॉ करना है, आपकी स्पाइरल तैयार है और आपको इसको कंप्लीट भी आप कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर √8 तक बनाया तो मेरा OP √5 जो हो जाएगा, OP5 हो जाएगा √6, OP6 हो जाएगा √7 और OP7 हो जाएगा √8। मैंने √8 तक आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, आप इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे बनाते जाओगे आपका जो हाइपोटेनस है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ से देखो छोटा था फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से ये बनता जाएगा, ओके। तो आप इस फिगर को पूरा कंप्लीट करके बना सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।